हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। किसकी बात करेंगे? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो केमिस्ट्री में बहुत बड़ी कैटेगरी बनाता है। एसिड्स की एक अलग कैटेगरी बनती है, बेसिस की एक अलग कैटेगरी बनती है और सॉल्ट्स की एक अलग कैटेगरी बनती है। और ये कैटेगरी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द केमिस्ट्री फ्रॉम द बेसिक्स टू द हाइएस्ट लेवल आप शुरू करते हैं और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचते हैं, हर जगह आपको एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी कि क्लासिफाई करना है कंपाउंड्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप एसिड्स को पढ़ेंगे तो एसिड्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी कि एक पूरी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ को आप सीख पाएंगे। इन द सेम वे बेसिस को पढ़ेंगे तो बेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, तो पूरी फैमिली, पूरी जो कैटेगरी है उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। एंड देन हमारा सॉल्ट आता है। तो ये तीनों जो कैटेगरी है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीखते हैं एसिड्स किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं और सॉल्ट्स किसे कहते हैं। हम लोग क्योंकि फोकस करेंगे पियर्सन को, और पियर्सन में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को फिज़िकल केमिस्ट्री के पोर्शन में रखा गया है। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होता है ये हम लोग डील नहीं करेंगे, लेकिन फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर जो है वो आपका है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्री और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो उस चैप्टर को हम लोग ने डील नहीं किया क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट है, स्टोइकोमेट्री है, ये आपने क्लास नाइन्थ में कुछ कुछ पढ़ रखा है, तो मैंने सोचा कि कुछ नया पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने पिक किया एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। समझ में आ रही बात? तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम लोग शुरू करने से पहले अकॉर्डिंग टू पियर्सन, जो इसमें थियरीज पढ़नी है हमको, एसिड्स की थियरीज, एसिड्स, बेसिस और थियरीज, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की थियरीज, हम कुछ बेसिक्स पे बात करते हैं। और ये बेसिक्स मैं अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। अगर आपको ये बेसिक्स पढ़ने हैं ढंग से तो क्लास टेंथ का एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स एनसीईआरटी के बेसिस पे पूरा पढ़ा दिया गया है, उसमें वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इनिशियली एसिड्स को क्लासीफाई किया गया एज दी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सॉल्टेस्ट। यानी कि एसिड्स उन सब्सटेंसेस को कहा गया, उन कंपाउंड को कहा गया विच आर सॉल्टेस्ट। इनफैक्ट एसिड को डिराइव किया गया है वर्ड एसिडस से या फिर एसिडम से, विच इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सॉल्टेस्ट। यानी कि सब्सटेंसेस विच आर सॉल्टेस्ट, सब्सटेंसेस विच आर सॉल्टेस्ट मस्ट कंटेन एसिड। दिस वॉज द बेसिक एंड इनिशियल definition of acid. In the same way, bases can be defined as substances having bitter taste and slippery touch. इसमें बहुत सारे आपने examples देखे होंगे, बहुत सारे organic acids, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि जो lemon होते हैं, lemon में citric acid होता है, that is why lemon gives you a sour taste. In the same way, जो curd होता है, curd में आपका lactic acid होता है। तो देर आर सो मैनी सार सब्सटेंसेज दैट यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ एंड दे आर सार इन टेस्ट, इट मीन्स दे कंटेन एसिड इन देम। हमारा कंसर्न वो नहीं है, ठीक है। उसी तरह से बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होता है और उसमें स्लिपरी टच होता है। ये डेफिनेशन आपने क्लास सेवन में पढ़े होंगे और क्लास टेंथ में भी मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी के बेसिस पे, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। और सॉल्ट के बारे में भी कुछ आइडिया आपको होगा कि सॉल्ट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। सिंपल सी बात है। तो ये सारी बातें आपका इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए बिफोर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्सन। अब हम लोग पियर्सन में क्या स्पेसिफिक बात करेंगे, तो हमारा जो शुरू होगा पियर्सन में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड्स, थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। समझ में आ रही बात? इसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहली थ्योरी है, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई आर्हेनियस, इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया आर्हेनियस थ्योरी। तो पहली थ्योरी क्या पढ़ेंगे हम लोग? आर्हेनियस थ्योरी, ओके। दूसरी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ओके, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरी, विच इज लेविस थ्योरी।
एक एक करके हम लोग बात करेंगे सारे के सारे थ्योरी किस पर किसके किसको डिफाइन करता है एसिड्स एंड बेसिस को इन डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड डिफरेंट कंडीशन। तो हमें तीन अलग अलग थ्योरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, जाहिर सी बात है इसमें कुछ कमी रह गई तो इसने पूरा किया, इसमें कुछ कमी रह गई तो इसने पूरा किया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया या फिर ये सुपेरियर है, नहीं, तीनों की आपको ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कंडीशन में। दीज डिफरेंट थ्योरीज आर यूज इन डिफरेंट कंडीशंस। कभी कभी आपको एसिड को डिफाइन करने के लिए आरहेनियस कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कभी कभी आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कभी कभी आपको लीविस थ्योरी लगानी पड़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड, विच टाइप ऑफ कंपाउंड यू आर डिफाइनिंग। तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आरहेनियस थ्योरी। आरहेनियस थ्योरी को हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है आरहेनियस थ्योरी में, एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। आरहेनियस थ्योरी में एसिड्स वो सारे सब्सटेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरहेनियस के बारे में कुछ बात कर ले। आरहेनियस बहुत ज़्यादा, आरहेनियस का जो शौक था, फील्ड ऑफ स्टडी था, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। इट मींस वो कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स को आयंस में डिसोसिएट करने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है और उसमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनसे उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। यानी कि इन पर उनका पूरा का पूरा रिसर्च हुआ है। इनफैक्ट उसको इसी फील्ड में स्टडी करने की वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ही इज़ अ नोबेल लॉरेट। किसके फील्ड में मिला है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। अब जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा किससे, उसको इंटरेस्ट किस में था? आयंस में। तो एसिड को भी उन्होंने जो डिफाइन किया इन द आयन के कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में? आयंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब आयंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आप बहुत सारे एसिड्स को जानते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड्स है। इन एसिड को उन्होंने नोटिस किया और इन सारे एसिड्स का उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? एक्वस सॉल्यूशन। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कहा कि जितने सारे एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे एसिड्स H प्लस आयंस देते हैं। क्या देते हैं? रिमेंबर, H प्लस आयंस कहाँ देते हैं? अपने एक्वस सॉल्यूशन में। इट मींस व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे गिव H प्लस आयन। तो एक आम आदमी इसको देख नहीं सकता है। एक आम आदमी को एसिड को टेस्ट करने के लिए उसको इंडिकेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा, लिटमस पेपर आर अवेलेबल इन टू कलर, ब्लू एंड रेड। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कहते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो बेस है। अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है देन यू से द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से आप चेक करते हैं। लेकिन उसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है एसिड्स के अंदर, उसकी बात किसने की? आरहेनियस साहब। आरहेनियस साहब ने क्या कहा कि एसिड्स आर दी सब्सटेंसेस, एसिड्स आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच गिव दैट गिव एच प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, एसिड्स आर दी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच गिव H प्लस, दैट इज हाइड्रोजन आयन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन देता है। तो इससे क्या क्या बातें समझ में आई कि एसिड होने के लिए उसको आयंस देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ये, दिस इज व्हाट कैटायन, ये क्या है? कैटायन है। इसका मतलब कंपाउंड में एनायन भी होगा, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है एसिड जो आयंस में डिसोसिएट होता है, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन हो गया, लेकिन इससे एडिशनल बातें हमें क्या क्या समझ में आई कि एसिड होने के लिए सबसे पहले एसिड को क्या होना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट होना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू आरहेनियस क्या होना पड़ेगा उसको? इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिड्स मस्ट बी, ये एडिशनल बातें जो हमें डेफिनेशन से समझ में आती है, ठीक है, एसिड्स मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स को क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको एसिड्स मस्ट बी वाटर सॉल्युबल। आपको समझ में आ रही बात कि एसिड एसिडिक कब होगा? जब वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? एच प्लस। तो उसको वाटर सॉल्युबल होना ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? और वाटर सॉल्युबल होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है
कि इट मस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम उसमें होना पड़ेगा तभी ना एच प्लस आयन मिलेगा। एच प्लस आयन बनने के लिए उसमें पैरेंट एटम क्या होना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम होना पड़ेगा। तो एसिड्स में ये तीन बातें एडिशनल ये होनी ही चाहिए। जब तक ये तीन बातें नहीं होंगी तब तक एसिड आरहेनियस एसिड की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। यानी कि अ कंपाउंड विच इज आरहेनियस एसिड मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइट, मस्ट बी वाटर सॉल्युबल एंड इट मस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? विच कैन डिसोशिएट इंटू कैटायंस एंड एनायंस। जो कैटायंस और एनायंस में डिसोशिएट हो सकते हैं उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल और जिसमें हाइड्रोजन होगा। ये सारी बातें हो गई एसिड्स की, ठीक है। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसिड्स की। तो एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू आरहेनियस साहब हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं। मान लेते हैं आपके पास HCl है, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज़ अ गैस, विच इज़ अ गैस व्हेन इट इज़ डिसॉल्व इन वाटर which is a liquid, in this water this HCl gives H plus AQ, it means H plus is dissolved in water and Cl minus AQ। समझ में आ रही बात? तो H plus आयन दिया, ये तो इसका मतलब HCl जो है एक एसिड है। क्यों? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में क्या दिया? H plus दिया और Cl minus दिया। इसी को आप लिखते कैसे हैं? HCl एक्वस। समझ में आ रही बात? यही आपका कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिमेंबर दिस। यानी कि HCl जब तक गैस है तब तक ये एसिड नहीं है। ये एसिड कब है? जब ये एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है, क्योंकि एसिड को एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज़ अ गैस। ये बातें हमें नहीं बतानी चाहिए अभी, लेकिन तब भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज अ गैस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स एच प्लस आयन एंड सी एल माइनस आयन। नाउ और भी हम कुछ एसिड्स को देखते हैं कि वो आरहेनियस एसिड्स हैं कि नहीं। हम लोग जो एग्जांपल लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका लिखेंगे आरहेनियस एसिड का। आई होप आप लिख रहे होंगे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये आयन्स में डिसोशिएट हो रहा है। उसी तरह से आपने देखा होगा H2SO4, ठीक है, इसको आप वाटर के साथ मिलाएंगे। यू आर डिजॉल्विंग इन वाटर, लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, ये भी एक लिखने का तरीका है। तो क्या होगा? आपको देगा एच प्लस इज एक्वस एंड SO4-2 विच इज एक्वस। तो डिसोशिएटिंग इन टू आयन्स एंड डिजॉल्विंग, समझ में आ रही बात? एट द सेम टाइम डिजॉल्व भी हो रहा है और आयन्स में डिसोशिएट भी हो रहा है। एच प्लस दिया, अगर इसको आप बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। दिस इज वॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? H प्लस देगा एक्वस एंड NO3-एक्वस। तो एसिड्स गिव्स H प्लस आयन एंड दी एनायंस, एनायंस देगा। इसका मतलब एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर हो रही होगी बात? अब एक स्पेशल बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि H प्लस आयन जो है ये इंडिपेंडेंटली वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। H प्लस कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट कांट एग्जिस्ट इन वाटर। इनफैक्ट ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एच प्लस आयन नेवर एग्जिस्ट फॉर अ मोमेंट। ये तो फॉर्म हो रहा है, HNO3 को वाटर में डिजोल्व किया, एच प्लस आयन आपको मिला, लेकिन ये वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो होता क्या है, जो एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन द सोल्यूशन, दीज एच प्लस आयन्स क्या करता है? इमीडिएटली दीज
आफ्टर डिसोसिएटिंग इन टू आयन्स एसिड्स गिव्स एच प्लस एंड देयर एनायंस एंड दीज एच प्लस आयन्स इमीडिएटली रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव हाइड्रोनियम आयन, यानी कि एक चांस है उसको नया आयन बनाने का जो वो छोड़ता नहीं है, और वो आयन क्या है, H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है ये H+ है आपका, ये कहाँ से आया, एसिड से आया, और आपका किस में बन रहा है, ये वाटर के अंदर बन रहा है, तो ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है, H+ NH2O गिव्स यू अनदर इम्पोर्टेंट आयन विच इज H3O+। दिस हाइड्रोनियम आयन इज द टाइप ऑफ आयन विच इज़ प्रेजेंट इन एसिडिक सोल्यूशन। तो आप कह सकते हैं, एक्सटेंड करके एक इम्पोर्टेंट बात लिख सकते हैं नोट कह करके, कि एसिड्स गिव H+ आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, बट एग्जिस्ट एज H3O+ आयन। समझ में आई बात, एसिड्स तो H+ आयन देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट किसके फॉर्म में करता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। दिस इज ऑल अबाउट द एसिड्स इन आरहेनियस थ्योरी। इसमें और भी कुछ एसिड्स देख लेते हैं हम लोग। ओके, आपने नाम सुना होगा फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला होता है HCOOH, वाटर में डिजॉल्व होगा तो ये देगा H+, एंड हम H+ लिख रहे हैं, मतलब ये दे रहा है H+, लेकिन ये फर्दर क्या बना देता है, H3O+, रिमेंबर दिस। तो आप H3O+ लिखें या H+ लिखें, बोथ आर सेम आरहेनियस के थ्योरी में, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच आयन एग्जिस्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, H+ आयन बनता है बट इट नेवर एग्जिस्ट, ठीक है, COO-, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मेट आयन। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का, दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड CH3COOH, वाटर में डिजॉल्व किया आपने, ये देगा आपको H+ एंड CH3COO-, दिस इज एसीटेट आयन। ओके, एसिटिक एसिड गिव्स यू एसीटेट आयन। दीज आर दी ऑर्गेनिक एसिड। तो सम ऑफ देम आर मिनरल एसिड्स एंड सम ऑफ देम आर ऑर्गेनिक एसिड। आप सबको पता होगा कि मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जिसका सोर्स एनिमल्स और प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स, ठीक है, और जो मिनरल एसिड्स हैं जिसका सोर्स क्या है, मिनरल है, यानी कि इसको आप लैब में मिनरल की मदद से बनाते हैं, लेकिन दीज एसिड्स आर ऑलरेडी फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एसिड्स पाए जाते हैं, कभी प्लांट्स में, कभी एनिमल्स में, कभी आपके सेल्स के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा DNA RNA, ये सारे एसिड्स ही हैं। तो ये तो हो गई एसिड्स की बात। नाउ व्हाट अबाउट दी बेसिस, बेस किसे कहेंगे आप, आरहेनियस थ्योरी में बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स डिफाइन बेस, ठीक है। जिस तरह से एसिड को आरहेनियस साहब ने कहा वाटर सोलेबल, उस तरह से बेस को भी उन्होंने क्या कहा, बेस को भी उन्होंने वाटर सोलेबल कहा, और बेस को भी इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, मतलब पहले जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, कि बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, मैंने कह दिया इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयन्स में डिसोसिएट होते हैं कैटायन्स और एनायन्स में, वाटर सोलेबल होना पड़ेगा, और जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोलाइट होगा वाटर, सोलेबल होगा, बस दो ही बातें आप याद रखें अभी के लिए,
अब करता क्या है ये, डेफिनेशन में क्या कहा रहे साहब ने, कहा कि बेसिस वो सारे कंपाउंड्स हैं जो एक स्पेशल आयन देता है। उस स्पेशल आयन का नाम आप में सब सुने होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि बेसिस आर दी कंपाउंड्स, बेसिस आर दी कंपाउंड्स विच गिव ओ एच माइनस आयन, दैट इज रिमेंबर द नेगेटिव साइड इज ऑन ऑक्सीजन। यहाँ भी आप देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमेंबर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बेसिकली है किस पे, ऑक्सीजन पे। ओ एच माइनस आयन जिसको आप कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, कहाँ पर देगा, इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं, वाटर के साथ जो सोल्यूशन बनता है। तो सेम कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, जो ओ एच माइनस देगा, यानी कि ओ एच माइनस आयन उसमें होना चाहिए ऑलरेडी। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपने नाम सुना होगा स्लैग्ड लाइन का, स्लैग्ड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट हैपेंस जब इसको H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, मिक्स किया आपने H2O में, तो ये क्या दिया, Ca+2। ये एक डाई पॉजिटिव आयन है, दो पॉजिटिव चार्ज इस पे होते हैं, इसको बाईवैलेंट कहते हैं, बाईवैलेंट कैटायन। और आपको OH- आयन मिल जाएगा, विच इज़ अ हाइड्रोक्साइड आयन। इफ़ यू वांट टू बैलेंस, आप यहाँ 2 लगा दिए। एक एक फॉर्मूला यूनिट की आप बात कर रहे हैं। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, H2O में डिजॉल्व किए, Na+, विच इज़ अ यूनिवेलेंट आयन, एंड OH- आयन। क्लियर हो रही है बात, सॉरी यहाँ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको H2O में डिसॉल्व किए, ये दे दिया K+ एंड OH- आयन। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। और भी एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H2O में डिसॉल्व किए, तो क्या हो गया आपको, H2O में डिसॉल्व करने के बाद आपको ये दे दिया Al+3 एंड 3OH-। यानी एक फार्मूला यूनिट कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, 3, कहीं 2 दे रहे हैं, कहीं 1 दे रहे हैं, कहीं 3 दे रहे हैं। हम एक एक यूनिट की बात, एक एक यूनिट कितना दे रहा है, इसी के बेसिस पे बेस को बोला जाता है कि ये ट्राई बेसिक है, ट्राई एसिडिक है, ये डाई एसिडिक है, ये मोनो एसिडिक है। इस तरह के बेस का क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग बाद में डील करेंगे। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कि किस बेस को क्या कहा जाता है, वो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। अभी आरहेनियस ने किस तरह से डिफाइन किया एसिड्स और बेसिस को। आपने नाम सुना होगा NH3, विच इज़ अमोनिया, विच इज़ अ गैस, ठीक है, इसको आपने वाटर के साथ मिक्स किया, ठीक है। रिमेंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर के साथ जो ही मिक्स किए, विच इज़ अ लिक्विड, आपको ये देता है NH4+ आयन, NH4+ आयन विच इज़ एक्वस एंड OH- आयन। इवन इफ इट डजेंट हैव OH-, लेकिन वाटर में जाने के बाद जो ही वाटर में डिजॉल्व होता है, ये वाटर में क्या देता है, OH- आयन देता है। समझ में आ रही बात, यानी कि वाटर में ऑलरेडी OH- कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उस OH- आयन के कंसंट्रेशन को अगर वाटर में, जो वाटर है आपका, वाटर H2O है, इसमें सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है, जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, यानी कि H+ देता है और OH- देता है। समझ में आ रही बात, वाटर खुद H+ आयन देता है और OH- आयन देता है, जो दोनों का नंबर बराबर होता है। जब वाटर आपके प्योर स्टेट में हो तो H+ आयन का नंबर OH- आयन के नंबर के बराबर होता है। दोनों का नंबर जब बराबर होगा तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, तो ओवरऑल जो वाटर है विच इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस। लेकिन जब आपको एसिड मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, तो कोई एक की संख्या बढ़ जाती है। जब एसिड मिलाएंगे तो H+ की संख्या बढ़ जाएगी, और जब बेस मिलाएंगे तो OH- की संख्या बढ़ जाएगी। उसी तरह से जब आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इवन इफ इट डजेंट हैव एनी OH- आयन, इसकी वजह से OH- आयन की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि H+ आयन को वो क्या करता है, गैदर कर लेता है। अमोनिया गैदर्स H+ आयन, एज अ रिजल्ट दी नंबर ऑफ OH- आयन इंक्रीजेस, यानी कि OH- आयन का कंसनट्रेशन बढ़ गया,
इसका मतलब वो बेस है, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ बेस। अगर आपसे पूछा जाए वाई अमोनिया इज़ अ बेस, बिकॉज वैन अमोनिया इज डिजॉल्व इन वाटर इट इंक्रीजेज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। तो एसिड्स को बेस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं आप कि बेसिस आर दी ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच इंक्रीजेज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन, क्योंकि हर वाटर में ऑलरेडी एच प्लस और ओ एच माइनस आयन की संख्या कुछ ना कुछ होती है, बहुत ही कम होती है, बट दोनों की संख्या बराबर होती है। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। तो दिस आर दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। समझ में आ गई बात। अब आर्हेनियस ने आगे क्या कहा, आर्हेनियस ने आगे और क्या क्या बातें की। आर्हेनियस ने, क्योंकि ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो दी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत ही केयरफुली स्टडी किया और पाया कि जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड वीक हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर कैपेबल टू डिसोसिएट इन टू देयर रिस्पेक्टिव आयन्स, दैट इज कैटायन्स एंड एनायन। जो कैटायन्स और एनायन्स में डिसोसिएट हो सकते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ देयर आर सम इलेक्ट्रोलाइट्स विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इन देयर सोल्यूशन, जो अपने सोल्यूशन में पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं, सच इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इस कैटेगरी में जैसे सोडियम क्लोराइड है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि ऐसा एसिड जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। आर्हेनियस साहब अपने ही थ्योरी में इन बातों को एक्सटेंड किया और कुछ बातें उसमें एडिशनल बातें इन्फॉर्मेशन के तौर पे उन्होंने कहा कि एसिड्स को आप स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे, वीक कब बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, ज़्यादा कोरोसिव है तो स्ट्रॉन्ग है, कम कोरोसिव है तो वीक है। लेकिन इन बातों को अलग रख के उन्होंने आयोनाइजेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के कितना एक्सटेंट तक, अप टू हाउ मच एक्सटेंट एन एसिड कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन आर्हेनियस ने एसिड्स को एंड बेसिस को स्ट्रॉन्ग एंड वीक क्लासीफाई किया। तो लेट्स सी कि स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल्स कौन है और वीक के एग्जाम्पल्स कौन है, और किसको आप स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलरली बोलेंगे और किसको आप वीक बोलेंगे। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या किया, फर्दर डिफाइन किया। आर्हेनियस फर्दर क्लासिफाइड एसिड्स एंड बेसिस एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, किस एक्सटेंट तक आयोनाइजेशन हो सकता है, आयंस का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो हम लोग एसिड्स की बात कर लेते हैं। एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ओके, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहा जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दिस एसिड्स विच आयोनाइजेस कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सोल्यूशन। व्हेन आई से कम्प्लीटली इट मीन्स मोर देन 90%। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% आयोनाइजेशन हो जाए, कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड यूनिट्स आपके रह जाते हैं, इसीलिए 100% के चांसेस रेयर होते हैं। लेकिन हम इसको कम्प्लीटली कहते हैं जब 90% से ज़्यादा आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि लगभग 90% आपके जो यूनिट्स हैं वो आयन्स में टूट गए, तो आप कह देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है। समझ में आई बात। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, हमारा जो लिटरेचर होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, कम्प्लीटली। तो विच आयोनाइज कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसमें, इसमें कुछ ही एग्जांपल्स हैं, एकदम गिना हुआ। कौन कौन से हैं इसमें आपका आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसमें आपका आ जाएगा, चलिए वी कभी मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, छोटे छोटे लिखने से आपको दिखते नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके,
उसके बाद आ गया आपका क्लोरिक एसिड, सॉरी परक्लोरिक एसिड। ओके देन वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वी हैव हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इन सब एसिड में कुछ हाइड्रो एसिड्स होते हैं और कुछ ऑक्सी एसिड्स होते हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हम फार्मूला भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और क्या क्या हैं। और हमारे पास आता है हाइड्रो आयोडिक एसिड विच इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, एंड नंबर 7 विच इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बस यही सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, देयर इज नो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। लेट्स राइट दी फार्मूला फॉर ऑल ऑफ देम। सल्फ्यूरिक एसिड ऑल ऑफ यू नो H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, परक्लोरिक एसिड HClO4, दीज आर दी ऑक्सी एसिड्स, कंटेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मैटर। ठीक है, दीज आर दी ऑक्सी एसिड, मैं पहले बता देता हूँ ये सबको आप क्लासीफाई करेंगे इसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 4 नंबर से 6 नंबर तक जो मैंने लिखा है इसको आप बोलेंगे हाइड्रो एसिड। अब हाइड्रो एसिड क्यों बोलेंगे आप इसको देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, देयर इज नो ऑक्सीजन, देयर इज नो ऑक्सीजन इट मीन्स इट वॉन्ट बी ऑक्सी एसिड, तो इसको आप क्या बोलेंगे हाइड्रो एसिड्स बोलेंगे HBr, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। रिमेंबर हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं बट एसिडिक कैरेक्टर इज ओनली शोन व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर। अब इन सातों में से विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब विच वन इज वीक इन सब में, अब इन सब में भी तो कंपैरिजन होगा, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ओवरऑल, बट इन सब में भी तो कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे हम लोग, अगर सब 100% आयोनाइज हो जाता तो फिर इसमें हम लोग स्ट्रेंथ चेक ही नहीं करते, और इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो क्या आप मिलता है कि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कोई 94% होगा, कोई 96% होगा, कोई 98% होगा, कोई 99% होगा। तो परक्लोरिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया अगर आप स्ट्रेंथ को चेक करें HClO4। ठीक है, मैं ये ऑर्डर गलत भी लिख सकता हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे याद है चीज़ें हम लिख रहे हैं। उसके बाद आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में मेरे ख्याल से नाइट्रिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आप चेक कर लेंगे एक बार, देन H2SO4, तब आता है आपका हाइड्रो एसिड्स। अब हाइड्रो एसिड्स में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा जिसमें हैलोजन होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन है, तो सबसे बड़ा आयोडीन है तो HI मस्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट, देन आपका HBr, then we have HCl and the weakest one is HF। क्लियर हो रही बात? तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, ये आप इस स्ट्रेंथ को याद कर सकते हैं। आई एम श्योर कि हम सही हैं बहुत हद तक, अगर गलत हो जाए तो आप बाद में इसको सही कर लेंगे, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट। ठीक है, मैंने रैंडम बता दिया। ठीक है, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ व्हाट आर दी वीक एसिड्स, लेट्स टॉक अबाउट दी वीक एसिड्स। अब वीक एसिड किसे बोलेंगे, चलिए लिख लेते हैं, आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। चलिए नाउ लेट्स राइट अबाउट दी वीक एसिड्स। वीक एसिड्स ये बहुत ही कम आयोनाइज होता है, 30%, 40%, 20%, कुछ भी आयोनाइज हो गया मतलब वो एसिड है, 90% से एक्सीड कर गया मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको आप वीक बोलेंगे। बाद में जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक की बात थोड़ा सी अलग है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइज हो रहा है। तो ध्यान रहे 50, 60, 40, 30, 20% अगर आयोनाइज हो रहा है तो इसको आप वीक बोलेंगे। इवन स्ट्रॉन्ग एसिड में भी कोई वीक है कोई स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो स्ट्रॉन्ग और वीक आर बेसिकली द रिलेटिव टर्म्स, इसको आप इंडिपेंडेंटली यूज़
कर सकते हैं जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही हैं या फिर वीक एसिड्स ही हैं, लेकिन जब दो एसिड आमने आसपास आ जाता है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है तो उन दोनों में से एक वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्ट्रिक्टली जो है यूज़ होता है रिलेटिव टर्म्स में, इन द सेंस ऑफ जब आप एक दूसरे को रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ हम इंडिपेंडेंट रिलेशन इंडिपेंडेंट जब डिफाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ जनरल बातें याद रखनी पड़ेगी। 90% से ज़्यादा आयोनाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग, और जो 30, 40, 60, 40 इस तरह से जो होता है उसको आप बोलेंगे वीक एसिड्स। तो लेट्स टॉक अबाउट वीक एसिड्स। तो हम इसको लिटरली क्या लिखेंगे लिटरेचर में, विच आयोनाइज पार्शियली। अब कहाँ आयोनाइज होगा भाई, इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ओके, अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो पार्शियली आयोनाइज होता है उसको आप क्या बोलेंगे, वीक एसिड्स। तो ज़्यादातर एसिड्स वीक होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड में भी कंपैरिजन होगा, वीक में भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा कोई वीक होगा, लेकिन वीक वो जनरल कैटेगरी में आ गया वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, कहाँ पर है ये ऑर्गेनिक एसिड्स, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर पाया जाता है तो उसको आप बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें आपने अभी भी देखा एसिटिक एसिड हो गया, ओके, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सारे के फॉर्मूले मुझे याद नहीं है, जिसका फॉर्मूला मुझे याद होगा मैं उसको लिख दूंगा, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, ये पूरा इसमें बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग। फॉर्मिक एसिड HCOOH, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अननोन मेरे लिए, ये भी मेरे लिए अननोन है। ओके, अब और क्या क्या हैं, ये तो ऑर्गेनिक हो गया, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी वीक होते हैं। ठीक है जी, दैट इज़ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। जितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सारे के सारे मिनरल हैं। रिमेंबर ऑल दी, नोट डाउन कर लीजिए, ऑल दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिनरल एसिड्स, दैट इज़ दे आर इनऑर्गेनिक एसिड। बट जो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स हैं ये मिनरल एसिड्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मिनरल एसिड किसे बोलेंगे आप, मिनरल एसिड्स वो सारे एसिड्स हैं जिसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है इसका, इसका सोर्स है मिनरल, यानी कि इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। तो मिनरल एसिड को आप इन अदर वे सिंथेटिक भी कह सकते हैं, हालांकि आज हम जो मॉडर्न हमारा डे है केमिस्ट्री इतना डेवलप कर गया कि सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी, ऑल दी ऑर्गेनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी, बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज वाई दे आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड। बट मिनरल एसिड्स कैन नॉट बी फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ओनली प्रिपेयर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, दैट इज वाई दे आर मिनरल एसिड्स। इसमें आपने नाम सुना होगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड मैनी अदर। ठीक है, अभी हम इतना ही लिख रहे हैं, फॉस्फोक्सेनिक एसिड, ठीक है, याद ही नहीं आ रही ये चीज़ें, इतने सारे एसिड्स हैं। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड बस एक ही हाइड्रोजन का डिफरेंस है, PO3, ऑक्सीजन की एक कमी। कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो हम लोग इसी तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक बेस भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेस, डिफाइन करने की तो ज़रूरत नहीं, हम बस कुछ एग्जांपल्स लिख देंगे, एग्जांपल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, क्योंकि डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि जो 100% आयोनाइज हो जाए, पूरी तरह आयोनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग, और जो पूरी तरह ना हो, कम हो, पार्शियली हो, उसको आप क्या बोलेंगे, वीक। ओके, अब स्ट्रॉन्ग में क्या क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा एंड सो ऑन।
वीक में आपका आ जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ठीक है, Al OH होल थ्राइस। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, इसी तरह से अमोनिया इज अ वीक बेस ठीक है, अमोनिया ये सबको आपको पता होगा। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो अ बेस, तो दीज आर द वीक बेसिस एंड देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये पूरी कैटेगरी है, हम जिस जितनी चीज़ें जहन में आ रही उतना हम बता रहे हैं। तो दीज आर दी स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स एंड बेसिस। ना अब आरएनएस यहीं तक नहीं रुका, आरएनएस ने अपने ही थ्योरी के बेसिस पे डिफाइंड किया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करने के बाद हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज़ बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं सेवन क्लास में भी आपने पढ़ा था, एसिड्स का बेस के साथ रिएक्शन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, वही डेफिनेशन उन्होंने दिया, लेकिन उसके पीछे क्या बात है उन्होंने वो बताया कि वाटर किस तरह से बन रहा है। तो आपने देखा कि एसिड्स जो हैं H प्लस आयन देंगे और बेसिस क्या देंगे वो H माइनस आयन, और एसिड को एसिड होने के लिए उसका एक्वस सॉल्यूशन होना पड़ेगा और बेस को बेस होने के लिए उसका एक्वस सॉल्यूशन होना पड़ेगा ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब उन्होंने क्या डिफाइन किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उन्होंने जो बेसिक फंडा बताया कि एसिड्स जो हैं वो H प्लस देते हैं, एसिड्स मतलब gives H plus, acids give H plus और जो बेसिस होंगे give OH minus। तो अब एसिड को अगर आप बेस से मिलाएंगे ठीक है, तो आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो अभी हम लोग सॉल्ट की तरफ नहीं जाते हैं, जो वाटर आपको मिला ये वाटर कहाँ से मिला, तो एसिड क्या दे रहा है आपको H प्लस दे रहा है और बेस क्या दे रहा है आपको OH माइनस दे रहा है, इन दोनों के रिएक्शन के बाद आपको H2O बनता है, समझ में आ रही बात। तो दिस इज़ बेसिकली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डिफाइंड बाई RNAS यानी कि सॉरी OH माइनस आयन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन नाम क्यों आ गया, क्योंकि H2O क्या है, इट इज़ नाइदर एसिडिक, RNAS कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब इसको आप बोलेंगे न्यूट्रल। तो जब किसी रिएक्शन में कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा इट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ में आई बात। अब और रिएक्शन हो कैसे रहा है वो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक बात समझ में आ गई कि न्यूट्रलाइजेशन नाम क्यों है, व्हाई द नेम इज़ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एसिड H प्लस दे रहा बेस OH माइनस आयन दे रहा है, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बाकी डिटेल्स जो है वो आपको पता होगा कि इस रिएक्शन एसिड और बेस इसका आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट देगा वाटर देगा, प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। इसमें जो बातें हैं वो हम लोग लिख लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि आपको सॉल्ट किसे कहते हैं भी पता चल गया। सॉल्ट किसे बोलेंगे, किसे सॉल्ट बोलेंगे, सॉल्ट वो सारे सब्सटेंसेस होंगे जो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बनता है, अदर देन वाटर, अदर देन वाटर जो सब्सटेंस बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो हो गया सॉल्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, है ना, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं। चलिए यहीं लिख लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल जैसे आप HCl, ये एक RNAS एसिड है, NaOH एक RNAS बेस है, इसका एक वो सॉल्यूशन ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे, हम सीधा नहीं लिख रहे क्योंकि जगह नहीं है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं बॉटम की तरफ आ रहा है, ऊपर में प्रोडक्ट लिख रहे हैं, रिएक्टेंट है देन प्रोडक्ट। तो ये क्या देगा आपको, NaCl देगा विच इज़ अ कॉमन सॉल्ट, आप सबको पता है, और आपको H2O मिल गया विच इज़ अ लिक्विड, और एनर्जी निकलेगी लॉट्स ऑफ। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू कैन राइट सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखने हैं, एग्जांपल्स और भी देखने हैं, तो हमने कहा आपको कि क्लास 10th के ही
जो NCERT के लेवल पे जो बातें होती है उस पर सारे के सारे लेक्चर्स बने हुए हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स ताकि आपके क्लास 10th का जो सिलेबस है बोर्ड को फोकस करते हुए कवर हो जाए। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द एडवांस लेवल, ये एडवांस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। हो सकता है अभी आपको चीज़ें पूरी बिल्कुल समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग और भी थ्योरीज की तरफ प्रोसीड करेंगे थिंग्स विल बी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्यों होगा, क्योंकि आप अभी लेवल आप क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप कॉम्पिटिशन को क्रैक कर पाएँ। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटिलाइजेशन रिएक्शन। आई कैन राइट मोर एग्जाम्पल्स। तो हमेशा वाटर बनेगा विच इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, एंड आई एम राइटिंग सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ एन एसिड। ठीक है, तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फेयर इनफ। इसी तरह से आपको मिल गया एसिटिक एसिड। ठीक है, कभी एसिड को बेस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एसिड को पहले लिखना है बेस को बाद में लिखना है। रिएक्टेंट है, एक साइड में रिएक्टेंट होना चाहिए, एक साइड में प्रोडक्ट होना चाहिए, वो ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिमेंबर दिस, एसिटिक एसिड को आपने NaCl के साथ रिएक्ट करा दिया, सॉरी NaOH के साथ, विच इज़ अ बेस, दिस इज एसिड, दिस इज अ बेस। तो आपको क्या देगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज NCH3COONA, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पार्ट है जिसकी वजह से इसको लिखा ही इस तरह से जाता है, दिस इज़ द सिस्टम। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, दिस इज़ द ऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया। ये ऑर्गेनिक सॉल्ट क्यों हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड से बन रहा है इसीलिए। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम। आपने अब रिमेंबर मैंने इसका नाम बताया इस पार्ट का एसीटेट, तो सोडियम लगा हुआ तो नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ओके, एंड आपका ये हो गया H2O। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट वी कैन राइट। अब एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर इज़ अ न्यूट्रल। अभी के लिए आपको क्या पता हो चल गया कि वाटर इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस, दैट इज़ वाई द नेम इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट वाट अबाउट द सॉल्ट, अब सॉल्ट का नेचर क्या होगा, ये सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कि ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा। तो ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है, दिस सॉल्ट कैन बी एसिडिक, ओके, इट कैन बी बेसिक। अब कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम एक अलग इस पर लेक्चर करेंगे कि सॉल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। अगर आपको पेशेंस नहीं है, आप सीखना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू माय लेक्चर्स ऑन यूट्यूब ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 सिलेबस। उसमें आपको बताया गया कि एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, बेसिक सॉल्ट कब बनता है और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है। मैं बीच में हो सकता है आपको आइडिया दे दूँ, लेकिन हमारे पास अभी उसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरहेनियस, क्योंकि आरहेनियस हमने शुरू किया तो आज आरहेनियस को फिनिश करते हैं। आई थिंक आरहेनियस को आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरहेनियस में क्या कमी रह गई कि हमें एक और थ्योरी की ज़रूरत पड़े। आरहेनियस ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, आरहेनियस अभी तक बहुत ही वायबल और बहुत बड़ी थ्योरी है एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड्स और बेसिस हैं जिसको आरहेनियस के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या क्या, सॉरी हमारे पास तो आरहेनियस थ्योरी को हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आरहेनियस थ्योरी कहीं कहीं पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ लागू नहीं किया जा सकता है वहाँ वो लिमिट हो गया, उसका वो लिमिटेशन हो गया। तो हम लोग लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट थ्योरी है, नेक्स्ट वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इतना ही याद रखते हैं। और फिर से मैं बता दूँ, जो बेसिक्स को पढ़ना चाहते हैं वो क्लास 10th के जो लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोडेड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑन दी ऑन NCERT लेवल पे, NCERT के लेवल पे जो चीज़ें डिस्कस की गई उसको आप सारा चेक कर सकते, सारा पढ़ सकते, ताकि आपका बेसिक जो है वो पूरा फंडा क्लियर हो जाए, ताकि आपको एडवांस पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए। आई होप आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।